गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हूँ, नॉर्मली ब्लॉग है ये, कोई भी ब्यूटी वीडियो नहीं है और ना ही किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, बल्कि यहाँ का मौसम जो है बहुत चेंज हो गया। आप वेदर देखिए किस तरीके का वेदर हो रहा है यहाँ पे। धूप गाइस बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बट क्या करें। और काफ़ी दिन से जो है वो मैं कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू कीरत। कीरत जो है, कीरत को देखिए इस टाइम पे, कीरत Say hi to everyone. इधर मैनू हट के दिखाओ, मैनू हट के दिखाओ। ये देखिए, ये जो ये सारी इसकी चीज़ें हो रही है ना, इस वजह से मैं नॉर्मली, एक तो जब से लोहड़ी का फंक्शन हुआ है, रिलेटिव्स ने गए वो, और उसके बाद से हमारा घर का जो काम है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो और हमारे घर में एक नया मेंबर आया। वैसे तो हमारे घर में दो नए मेंबर पहले से आ चुके थे, एक कीरत और दूसरा फतेह, पर इनके अलावा एक और नया मेंबर आया है और जिसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। आई मिलवाती हूँ आपको, आइए आइए। और कीरत जो है इसका बहुत मन करता है, एंड ही इज आवर न्यू मेंबर। जो जो देखिए कीरत इसको कितनी मस्ती कर रही है। कीरत उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करता है कि मैं जो हूँ उसको पकड़ लूँ। हाँ, ये देखिए वो कीरत के साथ जो है वो फ्रेंडशिप करने को पूरा है। डर नहीं लग रहा तेनू, डर नहीं लग रहा? देखिए वो अपनी कैसे टेल जो है वो कीरत को दिखा रहा है कैसे, और कीरत ये पूरा अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है झुक के। देखिए एक चीज ये बहुत ज्यादा खाता है, केक खा ना, केक खा लो। मुंह देखिए, मुंह का केक खा लो। उसको पता लगे कि उसके साथ जो है वो मस्ती हो रही है। और जोजो, और ये देखिए हमारा जोजो, जोजो जो है वैसे बहुत छोटा है बट नॉटी बहुत है। हाँ, अभी मुझे बताएगा, देखिए बातें कैसे करता है। अभी ये बातें करेगा जोजो से। जोजो अत कर दो, अत अत कर दो, अत अत। उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एक और हमारे घर में न्यू मेंबर आया है, बट वो जो न्यू मेंबर है वो है वहां पे। ये जो है ये हमारा फैलो का होम है, छोटा सा, थोड़ा सा इस टाइम पे मैसी हुआ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी एक मेंबर है, वो जो है क्या बोलते हैं उसको, पंजाबी में तो कट्टा बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, पर बछड़ा तो गायक वाला होता है शायद, बट जो फैलो का होता है तो उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अगर आपको पता है तो ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर दिखाइएगा। और मैं चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे इस टाइम पे जो है वो सरसों के फूल कितने कितने सुंदर हैं। वो देखिए, जब हम शहर में होते हैं तो शहर में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, बट जब हम आते हैं हमारे ऐसे वाले फील्ड में तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत मिलती हैं। और हमने बहुत सारी जो है वो फोटोज़ भी क्लिक करवाई हैं सरसों के फूल में। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है ना, इसके बीच में जाके फोटो क्लिक करवाना, वो एक ये बहुत 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 अच्छी बात है। और कीरत जो है वो शुरू हो गया अपना, कीरत उसको बुलाने में बार बार डॉगी को। और जो हमारे यहाँ जो है ये देखिए आवाज़ जो है, हाँ कितना सुंदर है वो कीरत की आवाज़ जो ना बहुत तेज निकलती है। और हमारे ना बहुत सारे पेड़ है, हाँ पेड़ है गया साढ़े, ये देखिए वो बता रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ है। और आज जो है वो कीरत ने न्यू कैप लगाई है, जो कि कीरत की बड़ी नानी ने, मतलब फतेह की नानी ने जो है वो कीरत को बना के दी है। और कीरत को थ्री नए सूट भी बना के दिए जो कीरत को बहुत पसंद है। और यहाँ जो है ये हमारा मैंगो ट्री, देखिए पेड़ की शक्ल पे मत जाइए, पेड़ जरूर है जो थोड़ा सा पतला है। कीरत हिला दे कीरत, हिला दे, बट इसमें जो है वो बोर आ चुका है। और फिर जब अब शायद हमारी जो नेक्स्ट ट्रैवलिंग होगी यहाँ के लिए वो मे बी जून में होगी, फतेह के बर्थडे के टाइम पे, तो हम खूब सारे
आम खाएंगे। और ये जो है ये है हमारा पपीते का पेड़, इसमें बहुत सारे पपीते ही लगे हैं। और आप में से अगर बहुत सारे लोगों को पपीते पसंद है तो इनको देख के अपनी आप जुबान ललचा सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने सारे पपीते लगे। बट ऑनेस्टली एंड रियली मुझे पपीते नहीं पसंद है, मुझे पता नहीं कि उनकी पपीतों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और नेक्स्ट मैं अब आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो है ये देखिए ये है जो हमारा, ये सम टाइम बन जाता है हमारा यहाँ पे फोटो शूट स्पॉट, हम यहाँ पे फोटो शूट कराते हैं। और एक जो था हमारा पीछे क्या था वो आड़ू का पेड़ था, उससे मैं और मेरी जिठानी काफ़ी बड़ा सारा था, और हम ऐसे करके ऐसे वाली फ़ोटोज बहुत सारी निकलवाते थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और वी आर सो लकी कि दैट हम इतने उसके पास हैं। वो है हमारा गुरुद्वारा, ये जो है हमारे फार्म हाउस के बिल्कुल पास में ही है। और हम यहाँ पे रोज़ सुबह तो मैं नहीं जाती हूँ, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरी सिस्टर इन लॉ जाती हैं, मेरी मदर एंड सिस्टर इन लॉ दोनों जाती हैं, बट हम जो है मैं मेरी जेठानी सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ हम शाम में ज़रूर जाते हैं यहाँ पे। और ये गुरुद्वारा अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, नया बना है, और बल्कि अभी वर्क इन प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता है। एंड दिस इज सेकंड मैंगो ट्री, ये कीरत फंस गया, पाची का तुची आ जाओ, शक्ल देखिए इसकी, जरा आप पास से देखिए कि कैसे मजे से बैठा हुआ है। हाँ पैर देखिए, पैर के तुम कितने खुश, से हाय कितने खुश है, खुशी देखिए, खुशी का बेटा गिर जाओगे आ जो। और ये जो है ये बाइसिकल है, ये बाइसिकल जो हमारे यहाँ आते हैं थोड़ा सा काम करने, उन्होंने आज लकड़ियाँ ली हुई हैं और ये उनकी बाइसिकल। और देखिए कितनी सारी वो लकड़ियाँ हमारे घर से लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब इस टाइम पे विंटर्स में ना हर किसी को चाहिए होता है कि वो आग वगैरह जलाएं ठंड में, हम खुद ही ऐसा करते हैं, तो इस वजह से वो लेके जा रहे हैं। और एक बार फिर से चलते हैं हम जोजो के पास, और जोजो भी पूरा एक्साइटेड हो जाता है कीरत को देख के। एंड हियर इज, ये देखिए कितना कीरत ने सॉक्स ले लिया, मैं सॉक्स कीरत इज सो मच हैप्पी। और एक नए मेंबर से तो आप मिल लिए हैं, और एक नेक्स्ट मेंबर से मैं आपको मिलवाऊंगी उस दिन जिस दिन धूप निकलेगी, क्योंकि वो कट्टा छोटा ही है अभी तो उसको बाहर नहीं निकाल सकती, ठंड बहुत है, बट डॉगी को बाहर निकालना था इसलिए हमने निकाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कीरत की वजह से, क्योंकि अगर कीरत को, और अभी देखिए कीरत को मैं पूछूंगी कीरत कट्टा कितने हैगा, देखिए नज़र देखिए, उसको तुरंत पता है कि वो वाली लोकेशन पे जो कट्टा कितने हैगा, कट्टे आ जो, आवाज़ मारो, धत कर दो, देखिए वो कर रहा है, क्योंकि हाँ हम लोग कट्टे को बोलते हैं ना कट्टे हट, तो वो भी कर रहा है कट्टा अत, ये देखिए गुस्से में आ गया। तो चलिए अब जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।